जय श्री केदार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में, जहां आज हम आपको लेके जाना चाहते हैं जय श्री केदार जी की यात्रा की तरफ। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस यात्रा को सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपनी इस यात्रा को रोचक बना सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों को अपने साथ में लेके चलना है। तो आइए और हमारे साथ इस यात्रा में सम्मिलित हो जाइए और बोलिए जय श्री केदार। हर हर महादेव। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकलने के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव। जय जय बद्री विशाल। जय। चलो भाई जय हो। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम में से एक यात्रा भी है, जिसके कारण यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज्यादा होती है। हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई ऋषिकेश से। ज्यादातर लोग ऋषिकेश से ही इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। अंततः उन सबको सोनप्रयाग पहुँचना पड़ता है। सोनप्रयाग के बाद आपको 50 रुपए में कोई भी गाड़ी मिल जाती है, जो कि शेयर टैक्सी सर्विसेज होती हैं, जिसके बाद आप इजीली गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। तू क्या करी, तू शचानी करते हुए पकड़ी गई है चिया। मैं आपकी सीट पे बैठ गई। सासा की सीट पे बैठ गई हैं? श्री केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप चार धाम की वेबसाइट पे जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, अगर आप केदारनाथ विजिट करना चाहते हैं तो। ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन प्री बुकिंग कराना जरूरी है, क्योंकि सोनप्रयाग जाकर आपका ये चेकिंग वेरिफिकेशन जरूर होगी, इसके बाद ही वो आपको आगे जाने देंगे। अगर आप मंदिर तक की यात्रा पैदल नहीं कर सकते हैं तो आप अपने लेपाल की पिट्ठू या घोड़े भी ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे फेमस है यहाँ पे हेली यात्रा सर्विसेज, जो कि आपकी IRCTC की वेबसाइट पर प्री बुकिंग ऑनलाइन, तो उसे आप ऑनलाइन पहले से ही करवा के चलें। ये वन वे और टू वे होती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रही हूँ विद रेट्स, तो आप अपने लिए बुक कर सकते हैं हेली यात्रा सर्विसेज। जहाँ तक रही पिट्ठू की बात, तो पिट्ठू आपके वेट के अकॉर्डिंग होता है। घोड़े की प्राइजेस आपके बिल्कुल बजट में है, जो कि है 2950। ये गवर्नमेंट रेट्स हैं, इससे ज्यादा आप प्रोवाइड मत कराइएगा। जहां तक रही पालकी की बात, वो आपके वेट के अकॉर्डिंग होती है। और अब हम निकल गए हैं सोनप्रयाग मार्केट की तरफ, ताकि हम यहां से गौरीकुंड की तरफ जा सके। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस आपका 5-7 किलोमीटर का है, और इसके लिए आपको शेयर टैक्सी सर्विसेज मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको 50 रुपीज पर पर्सन प्रोवाइड करवाना है और आप गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ से होती है केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू। हम तो वैसे आज लेट हो गए, तो आज थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम यहीं नियर बाई गौरीकुंड में अपना स्टे करेंगे एंड कल मॉर्निंग हम यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि हमारी जो हेली की जो टिकट थी वो कैंसिल हो गए। बाबा केदार के धाम हम पैदल चल के ही जाएंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे वेदर है, क्लीन वेदर, कूल ब्रीज चल रही है, और आप देखिए घोड़े चल रहे हैं। अभी ऑफ सीजन है, यात्रा समाप्त होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो उस वजह से थोड़ा भीड़ जो रश है थोड़ा कम है, सब लोग आते हैं यहाँ पे। ओ हर हर महादेव। जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे थे, दिन ढलता जा रहा था और शाम आती जा रही थी, तो हम पैदल यात्रा तो कंप्लीट नहीं कर पाते आज, इसीलिए हमने उस दिन गौरीकुंड में ही रुकने का डिसीजन लिया और अगली सुबह 5 बजे हम निकल पड़े अपनी पैदल यात्रा श्री केदारनाथ धाम की तरफ। अब हमारे साथ बच्चे भी थे जो पैदल तो नहीं चल सकते थे, इसलिए हम उनके लिए पिट्ठू ढूंढने जा रहे थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि पिट्ठू का रेट वेट के अकॉर्डिंग होता है, तो हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पर पिट्ठू 2000 रुपीज दिए थे। इसके साथ एक पिट्ठू हमने अपने सामान के लिए भी किया था, जो लोग यूजुअली करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करने के साथ साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स की भी बात कर लेते हैं।
अगर आपको ऑल्टीट्यूड पे जाने से सांस लेने में कुछ तकलीफ होती है, सो इट्स बेटर कि आप अपने साथ छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखें, जिनका ज्यादा वेट ना हो, क्योंकि वेट कैरी करने में आपको दिक्कत जरूर होगी। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको ऑक्सीजन के छोटे छोटे कंटेनर्स गौरीकुंड मार्केट में भी मिल जाएंगे, लेकिन गौरीकुंड में आपको प्राइजेस ज्यादा हाइप्ड मिलेंगे। इस बेटर है कि पहले से ही अपने पास ये सारी चीजें लेके चले। इसके अलावा लोग यहाँ पे लकड़ी के सहारे जरूर चलते हैं, क्योंकि इससे आपके लिए बहुत ईज हो जाता है। तो ये आप गौरीकुंड से ही खरीद सकते हैं या सोनप्रयाग मार्केट से भी खरीद सकते हैं। कई लोग अपने साथ कपूर भी रखते हैं ताकि वो उसको सूंघते रहें और ऊपर चढ़ते रहें। ये वही लोग यूज करते हैं जिनको थोड़ा सा सांस लेने में ऊपर जाते जाते तकलीफ होती है। चिक चिक। ऐसा सिर क्या कर रखा पीछे? चिया। चिया देखो। चिया को देखना। चिया जल्दी को बेटा। ये है किसकी? जी घोड़ा 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 घोड़ा। Very good, yeah, yeah। सब पीछे से तो आए? हम हैं तो पीछे। सब हैं तो हैं पीछे। सोजा 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 सोजा। निन्नी कर लो। निन्नी कर लो बेटा। तो अब तक आपको देख देख के पता चल ही गया होगा, तो इस यात्रा में आपको पानी की तो कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हर जगह पे ये नेचुरल जल स्रोत है। आप अपने साथ एक खाली बॉटल लाएं, पानी भरते हुए जाएं और मीठा मीठा पहाड़ों का नेचुरल वाटर पिएं। दो किलोमीटर चले होंगे, डेढ़ किलोमीटर थकान लग गई इनको, चाय वगैरह पी रहे हैं। क्या हुआ, थक गए आप भी? चलो जी चाय पी लेते हैं, चाय के मजे लेते हैं केदारनाथ धाम की इस पावन यात्रा में। पहाड़ों की गर्मा गर्म चाय। चीयर्स। ट्रैक करते हुए आपको घोड़ों खच्चरों से टकराने वाली नौबत जरूर आने वाली है, और पिट्ठू और पालकी से बच के जरूर चलेगा, क्योंकि वो बेचारे तो एक वेट लेके आगे जा रहे होते हैं। और सामने देखिए ये ब्यूटीफुल पहाड़, और इसके बीचों बीच है केदारनाथ मंदिर। आपको हर जगह पे ईटिंग पॉइंट जरूर मिल जाएंगे, जहाँ पे आप फल का सेवन कर सकते हैं और यहाँ पे मस्त नींबू पानी पी सकते हैं। तो ये था हमारा ऑफिशियली फर्स्ट स्टॉप, अनऑफिशियली थर्ड स्टॉप। थकान लगी? अरे मैं तो उनके लिए ठहरा था, इन लोगों के लिए। हेलो चिया, हेलो हेलो, कैसी हो भैया? जो बच्चों को ले जा रहे हो ऊपर, आपको थकान तो नहीं लगी भैया? ना, उनका रोज का काम। रोज में कितने ले जाते हो, मतलब एक चक्कर दो चक्कर होते हैं आपके? एक ही चक्कर है, एक ही चक्कर लगता है ना। बच्चों से खीरा खाने का मजा ही अलग है। बच्चे बैठना नहीं चाह रहे इसमें, बच्चे चल भी नहीं पा रहे। अरे बेटा साथ ही चल रहे हैं आपके, फिर ऊपर अभी उतरेंगे, फिर ऊपर उतरेंगे ना। हर हर बात है बच्चों। अरे अरे अभी सिर्फ 3 किलोमीटर ही चले, बट वेदर बहुत बिजी। जय हो Thank you.
तो हम लोगों ने फिर से अपनी यात्रा भी शुरू की। बीच बीच में हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, बच्चे हैं तो रुकना पड़ रहा है 500 मीटर में। बहुत ही महादेव शक्ति दे रहे हैं। सब लोग एक उमंग के साथ, उत्साह के साथ, अपनी शक्ति के साथ सब लोग आराम से केदार बाबा की यात्रा पूर्ण करेंगे। गर्मी हो गई, धूप एकदम से तेज आई तो गर्मी शुरू हो गई। रास्ते में भुट्टे के मजे लो, शिकंजी पियो, फ्रूट खाओ और आराम से अपनी यात्रा करो। हर हर महादेव। तो ये रामबाड़ा का एरिया है जो 2000 की ट्रेजेडी में जो डिजास्टर हुआ था सारा बह गया था। ये देखो, अरे भाई, ये है रामबाड़ा। रामबाड़ा का ये नया पुल और ये पुराना वाला आपदा में सारा बह गया था यार, सारा आया था पानी। ये वाला पुल है मम्मी, आपदा वाला यही वाला है। यहाँ सब रामबाड़ा से जो डिस्टेंस है केदारनाथ जी का वो अप्रोक्स पहले तो 7 किलोमीटर था, बट अभी 13 किलोमीटर और हो गया क्योंकि नया रास्ता बनाया ना पूरा। ये पूरा टूटा था उस टाइम पे। यहाँ से जाते हुए ऊपर अब असली चढ़ाई, अभी तक बिल्कुल नॉर्मल रास्ता था। जय हो महादेव, हर हर महादेव। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ट्रैक हैज बीन कंप्लीटेड और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ट्रैक है। बहुत मज़ा आ रहा है इस ट्रैक में। मम्मी पापा थक गए थे थोड़ा सा अभी, मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर्स और है तो बहुत स्टीप है ये। पापा, मम्मी और रुचि भी आगे, भाभी नहीं गई, हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। बस अब जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट ट्रैक करते हैं। हर हर महादेव। फाइनली वी आर अबाउट टू रीच बेस कैंप विच इज 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर और श्री केदार धाम 4 किलोमीटर है। तो वो है बेस कैंप वो वाला। तो ये है यहाँ का बेस कैंप, यहीं तक घोड़े आते हैं और यहाँ से मंदिर अभी भी 1.5 किलोमीटर है। ये जर्नी वी स्टार्टेड एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग फ्रॉम गौरीकुंड और अभी 3:13 हो रहे हैं, सो ऑलमोस्ट 7 to 8 hours एंड येट टू बी कम्प्लीटेड। बट इट वॉज अ ग्रेट ट्रैक। महादेव की शक्ति, महादेव ने हिम्मत देते रहे हमको और हम ऑलमोस्ट सब मंदिर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मंदिर और पहाड़ के पीछे बहुत कुछ, पहाड़ दिख रहे हैं सामने, उन पहाड़ों के पीछे मंदिर अभी। हाँ,
अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो बेस कैंप पहुंचने के साथ साथ ही आपको रहने के लिए ये टेंट सर्विसेज मिल जाएंगे। अब ये श्योर टेंट सर्विसेज भी होते हैं और सिंगल सीटर भी होते हैं। अगर आप श्योर टेंट सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 200 पर पर्सन से कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगर आप ग्रुप में हैं तो आप बड़ा वाला टेंट ले सकते हैं। इसके कॉस्ट डिपेंड करते हैं, आपको जाके पूछना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले से ही होटल बुक करवा लिया था प्री बुकिंग में, तो हम लोगों ने मंदिर के पास ही होटल में स्टे करा। यहाँ पे अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और आप ज्यादा अकोमोडेशन पे खर्चा नहीं करना चाहते तो ये बेस्ट सिचुएशन है जिसमें आप ये टेंट सर्विसेज ले सकते हैं। तो हम लोग बस पहुँच गए मंदिर। हाँ, बाबा केदार के धाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मौसम देखो कितना सुंदर है। फाइनली तो ये आ गया हमारा श्री केदारनाथ धाम का एंट्री गेट, जहाँ से हम आगे अपने मंदिर में जाएंगे। इसके बिल्कुल साथ में ही हेलीपैड सर्विसेज उपलब्ध है, जहाँ पे आपको हेली उतारता है और इधर से आपको पैदल 1 किलोमीटर मंदिर तक जाना पड़ता है। आपको पिट्ठू भी उपलब्ध होते हैं यहाँ पे, तो अगर आप पिट्ठू करना चाहते हैं आप पिट्ठू भी इजीली ले सकते हैं। आपको मंदिर के परिसर में ही बहुत सारे प्रसाद वाले भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से प्रसाद लीजिए और मंदिर की तरफ चलने लगिए। ये है बाबा केदार का धाम, हर हर महादेव। इस फीलिंग को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। जब आप ऊपर तक पहुंचते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं, देखिए भक्तजनों को, इसमें से बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं जो यहाँ पर पहुंच के अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल करते हैं और अपना अकम्प्लिशमेंट दिखाते हैं कि देखिए मम्मी पापा, मैं पैदल चलकर इस धाम तक पहुंच गया हूँ, आप भी दर्शन करिए, कभी आपको भी मैं लेके आऊंगा या लेके आऊंगी। भोले बाबा का मंदिर, एक भैया गए अभी केदारनाथ धाम में, तो मौसम ठंडा हो गया। अभी इवनिंग के 6 PM हो रहे हैं और हमारा केदारनाथ धाम सज चुका है आरती के लिए। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। चलिए आपको केदारनाथ धाम की हिस्ट्री से भी अवगत कराया जाए। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ चार धाम यात्रा के तीसरे स्थान में आता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव स्थायी रूप में आवास करते हैं और ये हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। माना जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया था। नंदी जी, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी के वाहन थे, उनकी मूर्ति भी रक्षक के रूप में मंदिर के बाहर रखी गई है। ये माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडवों ने अपने मित्र एवं संबंधियों को मारने का खुद को दोषी महसूस किया। उन्होंने अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव मिलने के इच्छुक नहीं थे और इसलिए पांडवों से बार बार बच रहे थे। उन्होंने बैल के स्वरूप में केदारनाथ में शरण ली। पांडवों के द्वारा पीछा किए जाने पर जमीन में डुबकी लगाई, सतह पर उनका कुबड़ रह गया। भगवान के शेष भाग चार अंग, जैसे कि उनके हाथ तुंगनाथ में, पेट और नाभि मध्य महेश्वर में और लट के साथ मस्तक कल्पेश्वर में दिखाई देते हैं। के साथ साथ बात करते हैं एक और मिरेकल की, जो कि है भीमशिला। ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि इतना बड़ा पत्थर उस टाइम पे उस सिचुएशन में आया था और इसने हमारे इस पवित्र मंदिर को बचाया। पूजा करते हैं, एक सिक्का चिपकाते हैं और भगवान से आराधना करते हैं कि जो भी हमारे रुके काम है वो सब हो जाए।
इसके साथ साथ आपको सामने दिख रहा है बिल्कुल भैरव मंदिर, जहाँ की यात्रा करे बिना आपकी केदारनाथ यात्रा बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। अभी बास्केट से जा रहे हैं और हम लोग जाएंगे घोड़े से, क्योंकि हेली का तो हुआ नहीं हमारा। तो इस तरीके से हमने केदारनाथ धाम की यात्रा संपन्न की और हमारे पास टाइम की थोड़ा सा शॉर्टेज थी, तो हमने मम्मी पापा के लिए तो पिट्ठू किया और हम लोग खुद घोड़े से बच्चों के साथ नीचे गौरीकुंड तक गए। हम इसी उम्मीद के साथ इस ट्रिप को एंड कर रहे थे कि प्लीज भगवान शिव हमें दोबारा अपने चरणों में जरूर बुलाइएगा और हम इस ट्रिप को दोबारा से एक बार जरूर अगले साल करना चाहेंगे। तो इसके साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। वी होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि केदारनाथ की यात्रा को करना चाहते हैं, और एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव।